नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक आसानी से मिलने वाली लेकिन असरदार औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे। उसका नाम है यष्टि मधु। इसे संस्कृत में मधु यष्टि, मधुक, क्लीतक या यष्टावा ऐसे पर्यायी नाम है। इसे हिंदी में मुलेठी और मराठी में ज्येष्ठमध कहा जाता है। इसका जो लैटिन नेम है वो है ग्लाइसेरिजा ग्लैब्रा। इसकी जो जड़ें यानी इसके जो रूट्स है इनका औषधियों में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयों की जो कड़वी कसेली उसकी जो टेस्ट रहती है उसकी वजह से वो दवाइयाँ पसंद नहीं आती, खास करके छोटे बच्चों को। लेकिन ये जो दवाइयाँ है यानी जो मुलेठी है ये इसका बहुत ही मीठा स्वाद रहता है, ये स्वादिष्ट रहती है, तो आप इसे आसानी से ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस मुलेठी के गुणधर्म क्या है, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके फायदे क्या क्या है, इसके सेवन की विधि, इसकी मात्रा क्या है, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मुलेठी का जो रस है वो मधुर रस यानी मीठा रस है। इसका जो वीर्य है ये शीतवीर्य की है और इस यानी शीतवीर्य यानी इसका जो स्वभाव, इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है। इसके साथ ये देखते हैं कि इसका दोषों पर क्या असर रहता है, तो ये पित्त दोष का भी शमन करती है और वात का भी शमन करती है। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने मुलेठी, वैसे तो हर कोई मुलेठी कैसी दिखती है हर किसी को पता है, लेकिन हम यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहे हैं। देखिए ये मुलेठी की जड़ें हैं, तो आप इनके छोटे टुकड़े करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका चूर्ण भी आप बना के रख सकते हैं। देखिए ये जो जड़ें हैं ये जड़ों का ही ऐसे छोटे टुकड़े आप बना के रख सकते हैं या इसका चूर्ण बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या है। तो जैसा हमने आपको बताया ये बहुत ही स्वादिष्ट है, तो हर कोई आसानी से ले सकता है, खास करके जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है और उस पित्त के कारण उनके सीने में जलन है या फिर खट्टी डकारे आना या जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, तो वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को आँतों में घाव है यानी अल्सर है तो उनके लिए भी ये जो दवाई है ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही ये मृदु विरेचक वातानुलोमक है, तो अगर किसी को पेट ठीक से साफ नहीं होता और वो बहुत ही माइल्ड लैक्सेटिव लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक उत्तम औषधि है। जिन लोगों को उनके प्रोफेशन के कारण ज़्यादा बोलना पड़ता है, ज़्यादा बात करनी पड़ती है, उनका कभी कभी आवाज़ बैठ जाता है या फिर अगर गले का कोई इन्फेक्शन है तो भी आवाज़ बैठ जाती है, तो ये सभी लोग यानी स्वरभेद, इसे आयुर्वेद में स्वरभेद बताया गया है, तो ये सभी लोग मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। आप चाहे तो मुलेठी का जो छोटा सा टुकड़ा है इसको आप मुंह में रख के इसको चूस सकते हैं, या फिर जो मुलेठी का चूर्ण है उसका भी सेवन आप कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को बहुत खांसी है, सांस फूलती है या फिर बलगम जमा हुआ है वो आसानी से बाहर नहीं निकलता, सीने में दर्द है, तो वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। जो कफ जमा हुआ है उसको आसानी से शरीर के बाहर निकालने में जो मुलेठी है वो मदद करती है। इसके साथ ही जो टीबी के पेशेंट है यानी आयुर्वेद ने इसे राजयक्ष्मा बताया है, तो जो टीबी के पेशेंट है उनमें भी ये बहुत असरदार दवाई है। उनकी जो खांसी है या बुखार है वो तो ये कम करती ही है, लेकिन साथ में इन पेशेंट का जो शारीरिक बल है उसको बढ़ाने में भी ये बहुत मदद करती है। मुलेठी शोणित स्थापक और रक्त स्तंभक है। इसका मतलब ये है कि जिनके शरीर में रक्त की यानी खून की कमी है तो उनके शरीर में ये खून को बढ़ाने वाली है, और अगर किसी के शरीर में रक्त धातु की दुष्टि है ये दूषित हुआ है तो उसको भी ये ठीक करने वाली है, और यहाँ तक कि अगर किसी के शरीर से ये रक्त धातु यानी खून शरीर से अगर किसी भी कारण से बाहर जा रहा है तो उसको रोकने में भी मुलेठी बहुत असरदार है। इसके साथ ही इसे रक्त प्रसादक वर्ण बताया गया है, यानी त्वचा का वर्ण, त्वचा का रंग सुधारने के लिए भी ये बहुत मदद करती है। तो जिनको भी स्किन का कॉम्प्लेक्शन जिनको सुधारना है वो मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही मुलेठी दाह प्रशमन करने वाली यानी अगर शरीर में कहीं भी जलन है तो उसको कम करने वाली है, फिर चाहे वो पेशाब में जलन हो या फिर त्वचा में आपको कहीं जलन होती है तो सबके लिए आप मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में मांस धातु की दुर्बलता के कारण वात प्रकोप हुआ है और इस वात दोष के बढ़ने के कारण उनको मसल में पेन है यानी मस्कुलर पेन है, तो उनके लिए भी मुलेठी एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके साथ ही मुलेठी के स्निग्ध गुण के कारण
ये शरीर में अगर किसी के रुक्षता है, रुखापन है, तो उसको भी ये कम करती है। इसके साथ मुलेठी शुक्रवर्धक है, ये ओज धातु को भी बढ़ाती है। ओज जो है वो सप्त धातुओं का सार है, तो ये भी शुक्र धातु और ओज को बढ़ाने में बहुत अच्छी औषधि है। इसके साथ ही जो मुलेठी है इसे जीवनीय बताया गया है, यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमें स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके साथ ही इसका एक और कार्य बताया गया है, वो है संधानीय व्रणरोपक, यानी अगर किसी के शरीर में घाव है और वो घाव जल्दी उसको ठीक नहीं हो रहा है तो भी वो मुलेठी का सेवन कर सकते हैं। ऐसे मुलेठी के बहुत सारे फायदे हैं। अब देखते हैं कि मुलेठी का सेवन कैसे करना है। तो इसका जो चूर्ण है इसकी मात्रा 1 से 4 ग्राम बताई गई है। अगर आपको सर्दी खांसी है या फिर गला बैठा हुआ है तो इसका थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते है। इसके साथ ही बीमारी के अनुसार जो मुलेठी का चूर्ण है उसको शहद के साथ या फिर घी और मिश्री के साथ भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही जो मुलेठी का चूर्ण है उसको पानी में उसको पका के उसका काढ़ा जो है उसका इस्तेमाल भी किया जाता है, या फिर मुलेठी को दूध में पका के उससे सिद्ध जो दूध है वो भी चिकित्सा में प्रयोग में लाया जाता है, या जो मुलेठी से बना हुआ तेल है या फिर जो घी है वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही बाकी औषधियों को बनाने में भी मुलेठी एक बहुत अच्छी औषधि है, जैसे फिर लवंगादिवटी, कर्पूरादिवटी, यष्ट्यादिवटी, इनको बनाने में भी मुलेठी का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से मुलेठी एक बहुत ही आसान, बहुत ही असरदार औषधि है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।